ऐसी प्रतिभाएं जो संसाधनों के कारण अपनी प्रतिभा को मंच न मिलने के अभाव से खुद को सामने लाने में असमर्थ है, उन्हें गौतम एंटरटेनमेंट व एमएम के स्टूडियो कुनिहार निरंतर मंच प्रदान करने का कार्य कर रहा है। ये जानकारी अर्की में पत्रकारों से रूबरू होते हुए एल्बम के निर्देशक व गौतम एंटरटेनमेंट कंपनी के चेयरमैन जगत गौतम शर्मा ने दी। गौतम एंटरटेनमेंट कंपनी के चेयरमैन जगत गौतम शर्मा ने अर्की में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया और कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गौतम एंटरटेनमेंट और एमएम के स्टूडियो कुनिहार की बैनर तले बनी हदकर्दी फासलों की नई वीडियो एल्बम को लॉन्च किया है। चेयरमैन व एल्बम के क्रिएटिव हेड विजय ठाकुर ने इस मौके पर बताया कि एमएम के स्टूडियो उनका 28 वर्ष पुरानी फिल्म सिटी के सपने को साकार करने की दिशा में पहला कदम है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमने अर्की में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका हमने परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा गाना लॉन्च किया है, हद की है फासलों की। इसमें जो डायरेक्टर है वो गौतम जी है, और सबसे जो मेन बात है इसमें जो सिंगर है पवन, वो बहुत गरीब फैमिली से है और बहुत अच्छा उसको उसका टैलेंट है, उसने बहुत अच्छा रियाज किया। लड़के ने उसको चांस नहीं मिल रहा था, तो गौतम जी को बोल के हमने उसको इसमें गौतम एंटरटेन में और एमएम के स्टूडियो में उसको एक चांस दिया है। और इसी के तहत एक हमने प्लानिंग की है कि एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, पिछले 28 साल पहले कुनिहार में हमने फिल्म सिटी का एक सपना देखा था जो हमारा पूरा नहीं हो पाया था। इस बार हमने गौतम जी से आग्रह किया कि गौतम जी क्यों ना मिलकर हम अर्की के लिए कुछ करें, तो गौतम जी ने एकदम से हाँ ही भरी और बॉम्बे छोड़ के वापिस अर्की में आए, तो हमने ये गाना लॉन्च किया है। और इसी के तहत एक कुनिहार में हम एमएमके मिनी मुंबई कुनिहार एक फिल्म स्टूडियो तैयार कर रहे हैं जो 2 से 2.5 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा और इसका विधिवत उद्घाटन हो जाएगा। उसका यह फायदा है कि जितने भी अर्की में स्कूल है, कॉलेजेस है, उनमें जाके हमारी टीम वहां के जो टैलेंट है, टैलेंट जरूरी नहीं है गाने में हो, एक्टिंग में हो, किसी भी फील्ड में हो, उन सारे लोगों को हम उसमें चांस देंगे। अभी जो हमारा अगला गाना लॉन्च हो रहा है एडिटिंग पे, ऑलमोस्ट फाइनल पे, उसमें बाड़ीधार, कुनिहार के आसपास, अर्की के आसपास की जगहों की शूटिंग है, ताकि यहाँ के एरिया को हम फिल्म में शूटिंग फिल्म इंडस्ट्रीज में यहाँ के एरिया को बढ़ावा दे सके। और उसमें जो लीडिंग रोल हीरो का कर रहा है वो भी कुनिहार से है लड़का, तो हमारा यही लोगों से भी मीडिया के तहत लोगों से भी आग्रह है कि 2 महीने के बाद जहां जहां भी कोई टैलेंट हो, जिनको कोई लोग जो बेचारा बेटा आगे ना जा पाए, बेटी हो आगे ना जा पाए, तो हमसे संपर्क करें, एमएमके स्टूडियो से करे, गौतम जी से करे, या बागल प्रेस क्लब में संपर्क करे, वो लोग हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और अभी मेरा इतना ही कहना, बाकी मैं धन्यवादी हूँ आदरणीय जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने इसको लॉन्च किया है गाने को, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि भविष्य में जो भी आप लोगों की भलाई के लिए काम करोगे उसमें मैं आपको सहयोग दूंगा। सिटी चैनल के लिए अर्की से शहनाज भाटिया के साथ दयाराम कश्यप की रिपोर्ट। आर्मी की तरफ से नए सेशन की शुरुआत हो गई है, तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हमारा चलेगा। इस बार एडमिशन के लिए हमने स्पॉट टेस्ट रखे हैं, जो किसी वर्किंग डे को आके बच्चे जो हैं वो हमारे पास टेस्ट दे सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास जो फैसिलिटीज़ रहेंगी वो बॉयज़ गर्ल्स के लिए हॉस्टल सेपरेट रहता है, और साथ ही कुछ जो रूट्स हमारे ट्रांसपोर्ट के रहते हैं वो जो पुराने रूट्स सभी चल रहे हैं लेकिन उनके साथ कुछ नए रूट्स भी हम जोड़ रहे हैं, तो वो हमारी वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जितना भी एडमिशन से रिलेटेड किसी की क्वेरी हो तो हमारी वेबसाइट है minervaeducation.org, उसके ऊपर जाके अपनी क्वेरी देख सकते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जितना जल्दी हो सके अपने एडमिशन प्रोसेस को कम्प्लीट करवाएं, ताकि नया सेशन एकदम से हम पूरे टाइम पर शुरू कर